नमस्कार, दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले की तमाम नई खबरों के साथ पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नौगांव जनपद सीईओ मजहर अली सहित 13 लोगों पर नौगांव की न्यायालय ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। लगभग 11 साल पहले हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम काकुनपुरा में हुए एक राशन के गबन के मामले में ये आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने ये आदेश देकर सभी 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही है। इनमें 5 से ज्यादा शासकीय अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि तत्कालीन सरपंच सचिव भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर पूरी खबर देखते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है नौगांव से। ये एक्चुअली में गिरफ्तारी का नहीं, इसमें मैंने 156(3) का आवेदन लगाया था, 156(3) सीआरपीसी के तहत, जिसमें माननीय न्यायालय सीधे पुलिस थाने को सूचना देते हैं और आदेश करते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति जिनका भी मैं जिनके विरुद्ध मामला चलाता हूं कि उनके विरुद्ध किन धाराओं में मामला दर्ज करना है और विवेचना करके उनके न्यायालय में प्रस्तुत करना है। मामला यह है कि जो फरियादी रामकिशन यादव है, उसने एक शिकायत की थी बलराम अहिरवार भूतपूर्व सरपंच और रामराजा यादव जो पंचायत कर्मी थे सचिव, उनके विरुद्ध कि ये मध्यान्ह भोजन में गबन कर रहे हैं। और इसकी संबंध में जब कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई तो उनके द्वारा इस संबंध में जांच कराई गई और तहसीलदार महोदय द्वारा इसकी जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि हाँ वाकई में गबन हुआ है, तो उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया जिलाध्यक्ष महोदय को और उन्होंने दिनांक 14/5/2007 को तत्कालीन सीओ सुधीर जैन को इस बात के लिए एक पत्र लिखा कि दोनों व्यक्ति सरपंच और सचिव के विरुद्ध मामला दर्ज करें, लेकिन उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की। रिमाइंडर गया उसको भी उन्होंने अवहेलना की और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो नए सीईओ मजहर अली आए, उनके पास भी जिलाध्यक्ष महोदय ने 2 बार सूचना भेजी और पत्र भेजा कि इनके विरुद्ध अभी तक आपने प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया है, प्रकरण पंजीबद्ध करके सूचित करें। जब इसके बाद भी ये अंतिम लेटर जो था वो जिलाध्यक्ष महोदय ने 2/5/17 को प्रेषित किया था, उसके बाद भी जब ये कार्रवाई नहीं की सीईओ वगैरह ने, तो फिर इस संबंध में 7/7/2017 को मेरे द्वारा इनको नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं 3 बजे नई खबर के साथ।